लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हमारे काम को, टेस्ट को, क्योंकि हमारा डिफरेंट है, बड़ी कंट्रोल्ड शुगर होती है हमारी। จริงๆปากีสถานมีที่เที่ยวเยอะอาหารอร่อยคนก็ใจดีशफीक साहब, आप दुनिया के ना वो मर्द हैं जिसने कभी गम नहीं देखा, जिसको अपनी बीवी की लैंग्वेज नहीं समझ आती। ओपन एंड लाइव किचन है जिसके अंदर उनके सामने उनका केक तैयार हो रहा है। बीवी जो है वो पाकिस्तानी डाडी होती है या थाईलैंड की डाडी है। सिर्फ लाहौर में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केक जो है वो इस्लामाबाद तक जाते हैं। भाभी जी जरा बोल के दिखाएं। लाहौर लाहौरी और लाहौरे। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर खान। आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके वाबडा टाउन में। मेरे साथ आप एक कपल देख रहे होंगे, ये शफीक साहब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और इनकी बीवी जिनका ताल्लुक थाईलैंड से है। ये पाकिस्तान से थाईलैंड गए और शादी करके पाकिस्तान आए और अब इन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा बिजनेस आइडिया लॉन्च किया है जिसमें थाईलैंड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। इसमें पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, मफिनस हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो स्वीट डिशेज हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। और इन्होंने हमें बताया कि हमने एक अपनी स्पेशल तैयार करदा मिठास ऐड की है कि जो खाता है उसको नशा लग जाता है और वो बार बार हमारी बेकरी के चक्कर काटते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि बिज़नेस आइडिया इतना अच्छा है और लोगों की लाइनें लगी होती हैं, ऐसा क्या टेस्ट दे रहे हैं ये लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आपके पास पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, ये आइडिया कहाँ से आया है? असल में देखें, पाकिस्तान में जिस तरह एक कंपटीशन है, यहाँ पर ऑलरेडी बेकरीज़ काफ़ी पॉपुलर भी हैं और यहाँ पर काम भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरी बीवी थाईलैंड से है और माशाल्लाह ये वहाँ पर भी बेकरी कर रही थी थाईलैंड में, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो हम थाईलैंड की जो रेसिपी है जो हमारी थाईलैंड से है हम उनको यहाँ लोगों को ट्राई करवाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल हो गए हमें यहाँ शिफ्ट हुए और घरवाली जो है ये मैं मुख्तलिफ़ काम और बिज़नेस करता रहा और घरवाली ज़ाहिर सी बात है उसको यहाँ पर अपना किल द टाइम तो शौक भी है इसको बहुत ज़्यादा, तो ये हमारी जो फैमिली के अंदर दोस्त अहबाब हैं या करीबी लोग हैं उनको ये कस्टमाइज़ केक जो है फॉन्डेंट डेकोरेटेड केक्स हैं वो बना के देती रहीं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेकरी आइटम्स हैं वो यहाँ पर, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर आस्ता आस्ता ये काम जब बढ़ता गया तो हमने सोचा क्यों ना इसको कमर्शलाइज़ कर लिया जाए। तो उसके बाद जो है हमने घर में एक होममेड हमने जो वहाँ शुरू किया, मुख्तलिफ़ हमने ग्रुप्स बनाए, व्हाट्सएप के ऊपर भी काम किया और आस्ता आस्ता जब लोगों ने इसरार किया कि जी आपको अब जो है ना वो कोई कमर्शियल बेकरी भी ओपन करनी चाहिए और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हमारे काम को, टेस्ट को, क्योंकि हमारा डिफरेंट है, बड़ी कंट्रोल्ड शुगर होती है हमारी और जो रेसिपी है वो ऑब्वियसली बाहर की है तो लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, तो लोगों ने बड़ा इसको लाइक किया और हमने देखा कि अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि एक अच्छा हम अपना दोस्तों का नेटवर्क बना चुके हैं, फैमिलीज़ काफ़ी अटैच है हमारे साथ, तो फिर हमने जो है ये कमर्शियली वाबडा टाउन के अंदर हमने अपनी बेकरी लॉन्च की है। अच्छा शफीक साहब, ये बताइएगा कि जो हमारी बहन हैं इनको उर्दू आती है समझ? जी आती है, थोड़ी बहुत आती है। आइए इनसे बात करते हैं जी, इतना अच्छा टेस्ट दे रही हैं और लोग क्यों इतना ज़्यादा आते हैं इस बेकरी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप ये बताइएगा कि आपकी चीज़ों में, आपकी पेस्ट्रीज़ में ऐसी क्या क्वालिटी है कि लोग बड़े शौक से खाते हैं ये? คนปากีก็ใจดีนิสัยดีต่างจากที่ในอินเทอร์เน็ตในทีวีที่แบบโชว์ว่าแบบปากีสถานแบบโหดร้ายแต่จริงไม่ใช่จริงๆปากีสถานมีที่เที่ยวเยอะอาหารอร่อยคนก็ใจดี वो बता रही हैं कि माशाल्लाह जो एक परसेप्शन था ना पाकिस्तानियों का, जिस तरह बाहर होते हैं तो सोचते हैं जिस तरह हालात पिछले रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी रिस्क हैं और सारा, तो वो कह रही हैं कि मुझे पिछले 8-9 साल से रहते हुए यहाँ कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिक्योरिटी रिस्क है, और जाते हैं हम पूरे पाकिस्तान में गए हैं घूमने के लिए, लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलते हैं,
चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है, तो शी लाइक्स हियर इन पाकिस्तान। शफीक साहब, आप दुनिया के ना वो मर्द हैं जिसने कभी गम नहीं देखा, जिसको अपनी बीवी की लैंग्वेज नहीं समझ आती। नाज़रीन आप ये अंदाज़ा लगाइए, वो मर्द जिसे अपनी बीवी की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही वो कितना सुकून में रहता होगा। पाकिस्तान में आप देख लें जी, जो मसाइल हैं वो हम सबके सामने हैं। अच्छा जी, अब इनका जो किचन है हम वो आपको विज़िट करवाते हैं और आपको बताएंगे कौन सी चीज़ें यहाँ पर फ्रेश बनती हैं और इसमें क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं। शफीक साहब, इतनी हैरान कुन बात है कि नाज़रीन 15 मिनट में ये एक मुकम्मल केक आपको रेडी करके देंगे। नॉर्मली बेकरीज पे आपने देखा होगा कि पुरानी चीज़ें दे देते हैं, तो आपके पास इतना अच्छा सेटअप है कि आप 15 मिनट में पूरा केक रेडी कर देते हैं। जी जी, हमारा असल में हमने ये एक नया ट्रेंड दिया है कि लोग जो है वो कई दफ़ा यहाँ आके लाइव देख भी सकते हैं। ओपन एंड लाइव किचन है जिसके अंदर उनके सामने उनका केक तैयार हो रहा है, तो वो जिस तरह भी चाहते हैं, जिस तरह उनकी पसंद है, उन्होंने नेम लिखवाना है, हैप्पी बर्थडे या जो भी इवेंट है उनका, तो वो जो जैसा चाहते हैं हम उसी तरह उसको प्रिपेयर करके 15-20 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश केक यहाँ पर तैयार करके देते हैं। चलें आइए इनका किचन देखते हैं, किचन के हवाले से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, आप ये देखिए कि जो हमारी थाईलैंड की बहन है वो अपने हस्बैंड के साथ केक खुद बना रही हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि केक लाइव बनता है, 10 से 15 मिनट में आपको फ्रेश क्रीमी केक मिलेगा, और जो प्राइस हैं वो भी बड़े रिजनेबल हैं। और नाज़रीन, इनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े हेल्दी हैं, और जो चॉकलेट है या कोई क्रीम है उसका जो टेस्ट है वो बड़ा रिजनेबल है, ज़्यादा मीठा नहीं है। नॉर्मली देखा जाता है कि चीज़ें बहुत ओवरलोडेड होती हैं मिठास में, लेकिन यहाँ थाई डेलिश पे आपको हर चीज़ रिजनेबल मीठे में मिलेगी। जो मरीज़ होते हैं उनका भी दिल चाहता है खाने का, या जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो इजीली खा सकते हैं क्योंकि इसमें मीठा बहुत कम है। तारीफ़ें तो मैंने बड़ी की हैं इस बेकरी की, थाई डेलिश की। अब मेरे पास ये केक पॉप्सिकल मौजूद है, खा के मैं आपको बताऊंगा कि कैसा टेस्ट है, और फाइनल मैं और मेरी ऑडियंस फिर करेगी कि बेकरी का टेस्ट कैसा है। आइए ट्राई करते हैं। शफीक साहब, बड़ा नॉर्मल टेस्ट है, बड़ा रिजनेबल सा इसमें शुगर है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। ये क्या बीमारों के लिए है? नहीं, बीमारों के लिए नहीं, ये बेसिकली बच्चों के लिए है। बच्चे माशाल्लाह, ये समझ लें कि हमारे कुछ आइटम हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये केक पॉप्सिकल हो गया, इसी तरह चॉकलेट बॉल्स हैं, मिनी एक्लेयर्स हैं, ये फेवरेट है बच्चों के। तो हमारे वहाँ पर जो किचन है वहाँ पर भी जो है फैमिलीज़ माशाल्लाह आ जाती हैं, वो लेते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और यहाँ पर भी माशाल्लाह जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, चॉकलेट के जो अंदर वाला केक है ना, बड़ा फ्रेश है, मीठा बिल्कुल ना सही नॉर्मल है। आप ये अंदाज़ा लगाइए, नॉर्मली शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन थाई डेलिश पे अगर आप आएँ तो आपको पता चलेगा कि मीठा रिजनेबल है। जो मरीज़ लोग हैं या जो नॉर्मल लोग भी हैं उनके लिए बेहतरीन फूड है, वो ट्राई करें। आखिर में शफीक भाई, मुझे आप बताइएगा कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, पाकिस्तान में नॉर्मली लोगों को बड़ी मुश्किल आती है काम करने की, आपने इतना अच्छा आइडिया लॉन्च किया, आपकी जो बीवी हैं वो यकीनन पाकिस्तानी नहीं है, वो नॉन मुस्लिम भी थी पहले, उन्होंने पाकिस्तान आके बिज़नेस शुरू किया, तो कोई मुश्किल तो नहीं आई कि जी एक थाई बेस्ड बेकरी पाकिस्तान में आई? लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में मुश्किल आती हैं, गैर मुल्कियों को या अकलीतों के मसले होते हैं, लेकिन आपको तो कोई मसला नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पाकिस्तान 8-9 साल हो गए हैं, और ये बिज़नेस आपको बताया कि शुरू से ही घरवाली जो है वो कर रही थी, लिमिटेड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमने, आप समझ लें हमारे 2 सेटअप हैं ऑलरेडी। जो हमारा किचन है ख्याबान मीन और उसके सराउंडिंग में, वलेंशिया हो गया, लेक सिटी हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़ी कामयाबी से चल रहा है, और पूरे सिर्फ लाहौर में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केक जो हैं वो इस्लामाबाद तक जाते हैं, तो लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मुश्किल नहीं आई पाकिस्तान में, बड़ा ईज़ है, ईज़ ऑफ बिज़नेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है हमारे साथ बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और बिज़नेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा जो है आस्ता आस्ता ग्रो कर रहा है,
तो कोई इशू नहीं है इसके लिए भी, मेरे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि हमारे लिए बेसिक, मैं समझता हूँ कि बाहर के मुल्क में नॉर्मली लोग जॉब्स करते हैं, बिजनेसेस तो बहुत कम लेवल के ऊपर है, और अपने मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर यहाँ पर आएँ और यहाँ आके बिज़नेस करें तो मेरा ख्याल है कि दे विल बी सक्सेसफुल। और हमारे पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, और जो मेजॉरिटीज़ हैं उनके लिए तो हैं ही। आखिर में शफीक भाई बताइएगा, जो हमारे नासरीन देख रहे हैं, बीवी जो है वो पाकिस्तानी डाडी होती है या थाईलैंड की डाडी है? नहीं, देखें, जब आप एक दूसरे का ख्याल करें और जिस तरह हमारा दीन है वो जिस तरह हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, अगर हम उसको फॉलो करें तो कोई इशू नहीं है। आप देखें, आपने अगर ख्याल करना है तो आगे से ख्याल मिलेगा आपको, अच्छा ख्याल मिलेगा। और बाकी यह है कि झगड़ने के तो बड़े जो है ना रीज़न्स होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार से और इतने अरसे से, आप खुद सोचें कि एक पाकिस्तानी के लिए बाहर के मुल्क में कितना मुश्किल होता है सेटल होना, और अपना मुल्क भी याद आता है, तो एक लेडी जिसका कोई भी ना हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर उसके लिए सेटल होना कारोबार, और आज 9-10 साल हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा आपस में रिलेशन है तो ये सारा चल रहा है। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है कि लेडीज़ के लिए स्पेशली किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना। लाहौरिये तो खाने के वैसे ही बड़े शौकीन हैं। हमारी जो बहन हैं उनके लिए एक ऐसा वर्ड है जो लाहौरियों के लिए बोलेंगे आपने लाजमी सुने। भाभी जी जरा बोल के दिखाएं। लाहौरी। आपने देखा, इसके एंड पे नासिन हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला सबको कामयाब करे जो जो लोग मेहनत कर रहे हैं। आखिर में एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।